गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 12 की नागरिक शास्त्र विषय के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। जो हमारा पाठ 2 है वो उसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, अर्थात सोवियत संघ का विघटन। तो जैसे कि हमने पहले पाठ में पढ़ा था कि किस प्रकार से शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, इसमें कौन कौन सी महाशक्तियाँ शामिल थीं, तो उसी को आगे लेकर अब हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार दोनों महाशक्तियों में से एक जो महाशक्ति थी सोवियत रूस, उसका विघटन कैसे हो गया। तो आपको यहाँ पर मैं दोबारा से ये याद दिला दूँ कि सोवियत संघ को यूएसएसआर भी कहा जाता है। यूएसएसआर अर्थात यूनियन ऑफ आपका है सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, अर्थात सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो इसकी फुल फॉर्म है। और सोवियत संघ जो है आपका, वह 15 देशों का एक संघ है जिसमें कि रूस प्रमुख है। जैसा कि आप ये इस मैप में देख रहे होंगे कि मैंने ये 15 जगह आपकी मार्क की है, चिन्हित की है। इन 15 जगहों को मिलाकर सोवियत रूस बनता है, जिसमें से देखिए जैसे ये अगला मैप जो है इसमें है रशिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान। ये 15 जगह मिलाकर यूएसएसआर हमारा बनता है। तो इस तरीके से हम इसमें आपका सोवियत रूस इन 15 जगहों को मिलाकर बना। अब है इस अध्याय में हम लोग मुख्यतः क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत प्रणाली की क्या विशेषताएं थी, सोवियत प्रणाली और शीत युद्ध क्या है, सोवियत प्रणाली का विघटन कैसे हुआ, सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, उसके क्या परिणाम हुए, उसके बाद सोवियत संघ की पुनर्संरचना के लिए कौन सी शॉक थेरेपी अपनाई गई, शॉक थेरेपी क्या थी, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थीं, उसके क्या परिणाम हुए, तथा भारत और साम्यवादी देशों में किस प्रकार से संबंध थे। तो इन बिंदुओं की चर्चा हम लोग अपने इस अध्याय में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सोवियत संघ के बारे में थोड़ा सा आपको और डिटेल में बता दूँ मैं कि सोवियत संघ कैसे अस्तित्व में आया, किस तरीके से वह शीत युद्ध में शामिल हो गया और किस तरीके से शीत युद्ध के बाद उसका विघटन हो गया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1917 की जो क्रांति थी, रूसी क्रांति थी, उस रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया। 1917 में जो रूस के रूस में जो है राजा की सत्ता थी, वहाँ पर राजा का शासन था और वहाँ की जनता राजा के शासन से बाहर आना चाहती थी और इसी को लेकर वहाँ पर साम्यवादी क्रांति हुई थी। जैसा कि आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि भारत में जैसे अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों के शासन से मुक्ति पाने के लिए भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांतिकारी लड़ाई करी थी। इसी तरीके से रूस में भी लड़ाई हुई थी। और इसे साम्यवादी शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बाद ही समाजवाद की स्थापना रूस में हुई थी। तो इस तरीके से आपका एक समाजवादी राज्य की स्थापना रूस में हुई। जब रूस में क्रांति हुई, रूस अलग हो गया, तो उसके बाद वहाँ की जो सरकार थी, वहाँ के जो शासक थे, उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था को नहीं अपनाया, उसे नकार दिया और उसकी जगह समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की। तो जो आपका रूस था वो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ अमेरिका के साथ और उसने फिर विजय प्राप्त की और उस विजय प्राप्त करने के बाद वह एक महाशक्ति बन गया और अमेरिका से उसकी होड़ शुरू हो गई, क्योंकि दोनों ही महाशक्तियां स्वयं को शक्तिशाली घोषित करने की इच्छुक थीं। इसी होड़ में सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी पुनर्संरचना के लिए शॉक थेरेपी की स्थापना की गई। अब हम देखेंगे कि सोवियत प्रणाली क्या थी। तो रूस में जब 1917 में क्रांति हुई, तो उसके बाद समाजवादी सोवियत गणराज अर्थात यूएसएसआर का हुआ बना, जिसका उद्देश्य एक समता मूलक समाज की स्थापना करना थी, अर्थात जहाँ पर सभी व्यक्तियों को समान समझा जाएगा, जिसमें पूंजीवाद को नहीं शामिल किया गया, जिसमें निजी संपत्ति को नहीं शामिल किया गया, अर्थात
किसी की कोई अपनी निजी संपत्ति नहीं होगी, सभी समान होंगे और समाज के और देश के सभी संसाधनों पर राज्य का हक होगा। इसी व्यवस्था को सोवियत प्रणाली कहा जाता है। दूसरे शब्दों में सोवियत प्रणाली वह व्यवस्था है जिसके द्वारा सोवियत संघ ने अपना विकास किया। अब हम देखेंगे सोवियत प्रणाली की आर्थिक विशेषताएं क्या क्या थी। सोवियत प्रणाली समाजवाद पर आधारित थी, जहां सभी आर्थिक निर्णय समाज को ध्यान में रखकर लिए जाते थे। अर्थात क्या उत्पादन होगा, कैसे उत्पादन होगा, वह सब चीज़ें निश्चित करने का अधिकार सरकार को होता था। कोई अन्य व्यक्ति उसे सुनिश्चित नहीं कर सकता था। दूसरी इसकी विशेषता है, सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। अर्थात नियोजन से अभिप्राय वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए योजना बनाने से है। अर्थात जो सोवियत प्रणाली थी वह नियोजन पर आधारित थी। जैसे नियोजन को आप ये समझिए कि जैसे भारत में पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार द्वारा 5 वर्ष के लिए कुछ योजना निश्चित की जाती हैं और उसके आधार पर देश का शासन चलता है। ऐसे ही सोवियत रूस में भी नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। सरकार ही देश के बारे में सभी प्रकार के निर्णय ले सकती थी। तीसरा है न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा। न्यूनतम जीवन स्तर का अर्थ है कि ऐसी कि सरकार के द्वारा नागरिकों को सभी तरह की न्यूनतम आवश्यकता की चीज़ें उपलब्ध कराई जाएगी, जिनमें जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, ये सभी तरह की चीज़ों की जो आपूर्ति है वह सरकार के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। सोवियत संघ में बेरोजगारी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर सभी व्यक्ति को रोजगार प्रदान करना सरकार का उत्तरदायित्व था। सोवियत संघ की संचार प्रणाली भी बहुत ही ज़्यादा उन्नत थी, और इसको हम देख सकते हैं कि सोवियत संघ ने किस प्रकार से अंतरिक्ष में सबसे पहली बार सोवियत संघ का ही व्यक्ति पहुंचा था। मालिकाना हक अर्थात मिल्कियत का प्रमुख राज्य का स्वामित्व होता था। इसका तात्पर्य यह है कि जो मालिकाना हक है अर्थात हर चीज पर सरकार का हक होता था। भूमि पर या राज्य के लिए या किसी भी कार्य के लिए, कृषि के लिए, उद्योग के लिए जो भी भूमि चाहिए होती थी वह सुनिश्चित करने का अधिकार सिर्फ राज्य को होता था, और सभी प्रकार के अधिकार राज्य के पास ही रहते थे। अगला है भूमि और अन्य उत्पादक वस्तुओं पर राज्य का नियंत्रण। समाज में जितनी भी तरह की भूमि थी, उत्पादन के जितने भी साधन थे, उन सभी पर वहाँ की सरकार का नियंत्रण होता था। उपभोक्ता उद्योग बहुत उन्नत। उपभोक्ता उद्योग का मतलब है वे सभी चीज़ें जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम प्रयोग में लाते हैं, उन सभी का उत्पादन सरकार के द्वारा होता था। जैसे कि आपकी दैनिक ज़रूरत की छोटी से छोटी पेन से लेकर हवाई जहाज तक, ऐसी सभी चीज़ों का बनाने का उत्तरदायित्व सरकार का होता था। ऊर्जा संसाधनों का विशाल भंडार। सोवियत संघ है उसके पास प्रचुर मात्रा में खनिज तेल, लोहा, इस्पात आदि उपलब्ध होते थे, जिसके कारण वह एक विशाल अर्थव्यवस्था वाला देश बन पाया। अब इसके बाद हम देखेंगे सोवियत प्रणाली की राजनीतिक विशेषताएं। सोवियत प्रणाली एक पार्टी का शासन, अर्थात सोवियत संघ में सिर्फ एक ही पार्टी होती थी जिसे कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता था। वह अन्य कोई शासन व्यवस्था नहीं होती थी। पूंजीवाद, निजी स्वामी तथा मुक्त व्यापार का विरोध। वहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था, किसी भी प्रकार का निजी स्वामित्व और मुक्त व्यापार का विरोध किया जाता था। मुक्त व्यापार का अर्थ होता है दूसरे देशों के साथ व्यापार करना। सोवियत संघ में इस तरह की कोई भी नीति लागू नहीं थी। साथ ही सोवियत संघ में किसी अन्य एक ही पार्टी थी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को दल बनाने का अधिकार नहीं था। वहाँ सिर्फ एक ही पार्टी का शासन चलता था। अब हम पढ़ेंगे सोवियत संघ का इतिहास कि किस प्रकार से सोवियत संघ का विकास हुआ। तो उसमें सोवियत संघ के विकास में बहुत सारे शासक हैं, लेकिन हम सभी शासकों के बारे में ना पढ़ के मुख्य मुख्य उन शासकों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने उसके विकास में मदद की थी। जैसे सबसे पहले 1924 से लेकर 1953 के बीच में जोसेफ स्टालिन शासक थे, उन्होंने वहाँ शासन किया। इन्होंने 1924 से 1953 तक सोवियत संघ का नेतृत्व किया। इन्होंने सोवियत संघ के निर्माण में या सोवियत संघ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे उन्होंने उद्योगों को बढ़ावा दिया,
उन्होंने इन्हीं के समय द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत रूस को सफलता दिलाने का श्रेय नहीं जाता है, और खेती का बलपूर्वक समूहीकरण किया। समूहीकरण का अर्थ होता है छोटे छोटे टुकड़े में जो खेत बटे हैं उन्हें जोड़कर ज़्यादा फसल का उत्पादन करना। तो ये तीन मुख्य कार्य थे जो इनके समय में हुए थे। फिर उसके बाद बीच में अन्य भी शासक हुए, लेकिन जो ज़्यादा प्रख्यात थे वो थे निकिता क्रुश्चेव। जोसेफ स्टालिन के बाद निकिता क्रुश्चेव ने सोवियत संघ की कमान संभाली। इनके समय में मुख्य घटना हुई एक तो क्यूबा का मिसाइल संकट, जिसके बारे में मैं आपको अध्याय एक में पढ़ा चुकी हूँ, 1962 में किस तरीके से क्यूबा में सोवियत रूस ने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी थी। अंतरिक्ष में पहुंचने की ओर, इनके शासनकाल में सोवियत रूस ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में महान उन्नति की, बहुत ज़्यादा विकास हुआ। सोवियत रूस के द्वारा अपना प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन को भेजा गया, स्पुटनिक यह नामक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा गया। साथ ही बर्लिन की दीवार का निर्माण भी इन्हीं के समय में हुआ। बर्लिन की दीवार अर्थात पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को अलग करने वाली दीवार को बर्लिन की दीवार कहा जाता है। तो इन्हीं के समय में ही पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का विभाजन हुआ था। फिर उसके बाद आते हैं मिखाइल गोरबाचेव। गोरबाचेव द्वारा सोवियत संघ में सुधार के लिए अनेक प्रकार की नीतियाँ अपनाई गई, जिनमें ग्लासनोस्त और पेरिस्ट्रोइका की नीतियाँ प्रमुख हैं। ग्लासनोस्त का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था को खुला रखना, अर्थात सभी देशों के साथ व्यापार करना, अपने देश की आर्थिक सीमाओं को अन्य देशों के लिए भी खोलना। पेरिस्ट्रोइका का अर्थ होता है पुनर्निर्माण, अर्थात जैसे सोवियत संघ सिर्फ एक ही दल प्रणाली वाला देश था, जो कि सोवियत संघ के विघटन का कारण भी बन रहा था और इसी वजह से सोवियत संघ संघर्ष कर रहा था, तो उसकी जगह अन्य लोगों को भी स्थान दिया जाए, खुलापन की नीति अपनाई जाए, अर्थात लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने का भी मौका दिया जाए। इनके समय में कौन कौन से राजनीतिक सुधार हुए थे? सबसे पहले लोकतंत्र को बढ़ावा मिला था। अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सेना को इनके समय में वापस बुला लिया गया, अर्थात जब सोवियत रूस ने अफगानिस्तान और यूरोप में सेना को भेजा था, तो शीत युद्ध को उस घटना की वजह से शीत युद्ध को बहुत बढ़ावा मिला था। इन्होंने उस क्या किया कि दोनों जगहों से अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया। तीसरा है जर्मनी के एकीकरण में सहायता की, जो जर्मनी का विभाजन कर दिया गया था उसके एकीकरण में इन्होंने काफ़ी प्रयास किए। आर्थिक सुधारों पर इन्होंने हथियारों की होड़ पर रोक लगाई, अर्थात सिर्फ हथियारों की होड़ से ही देश का विकास नहीं हो सकता है, अन्य चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, तो उस पर इसीलिए इन्होंने रोक लगाई। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कार्य किए और निजीकरण को बढ़ावा दिया। अब हम आगे पढ़ेंगे सोवियत, लेकिन एक चीज़ इन्होंने जो आपके मिखाइल गोरबाचेव हैं, इनके इतने प्रयासों के बावजूद वहाँ पर सोवियत रूस क्यों नहीं विकास कर पाया? क्योंकि सोवियत रूस मिखाइल गोरबाचेव के अनुसार निजीकरण से ही विकास हो सकता था, और गोरबाचेव आखिरी नेता थे जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया, किंतु उनकी दो नीतियों का, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका का, कुछ लोगों ने समर्थन किया और कुछ लोगों ने विरोध किया। जो समर्थन कह रहे थे वो कहते थे कि इससे विकास बहुत धीरे हो रहा है, और विरोध करने वाले लोग तो विरोध कर ही रहे थे। तो इसलिए इनके समय में भी सोवियत रूस उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच सका और सोवियत संघ का अंततः विघटन हो गया। इस समय के यूएसएसआर के, वो ये है गोरबाचेव आखिरी नेता थे और इसके बाद ही यूएसएसआर का विघटन हो गया। अब हम बात करेंगे सोवियत संघ के विघटन के कारण, ठीक है? शीत युद्ध का जो प्रभाव पड़ा उसी के कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। जैसे देश लोगों की आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना, अर्थात देश की जनता चाहती थी कि देश उनकी आकांक्षाओं को पूरा करे, उन्हें रोजगार दे, शिक्षा दे, स्वास्थ्य सुविधाएं दे, किंतु शीत युद्ध के कारण सरकार ही उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई। क्योंकि शीत युद्ध से पहले तो सरकार अपनी जनता की सभी इच्छाओं को पूरा कर रही थी, किंतु शीत युद्ध शुरू होने पर उनका ध्यान अंतरिक्ष की होड़, हथियारों की होड़ और अमेरिका से आगे निकलने पर हो गया, जिससे उनके ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक खर्चे इन्हीं पर होने लगे और देश के विकास को
से ठेस पहुंची। दूसरा है नौकरशाही का शिकंजा। सोवियत रूस में चूंकि सभी संसाधनों पर सरकार का ही नियंत्रण होता था और सरकार जो है सरकारी कर्मचारियों के द्वारा चलती थी, नौकरशाहों के द्वारा चलती थी, इसलिए जनता के हर क्षेत्र पर नौकरशाहों का दबदबा बन गया। कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा। कम्युनिस्ट पार्टी ही सोवियत रूस में एकमात्र पार्टी थी। वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य करती थी, जनता की इच्छाओं को कोई महत्व नहीं देती थी, लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं थी, विरोध करने की आज़ादी भी नहीं थी। हथियारों के निर्माण में अत्यधिक खर्च। अगला पॉइंट है कि जो सोवियत रूस था उसने हथियारों के निर्माण के लिए, ताकि वह अमेरिका से आगे निकल सके, बहुत ज़्यादा हथियारों पर खर्च किया, किंतु हथियारों पर इतना सारे खर्च करने के कारण सोवियत रूस अन्य क्षेत्रों पर अपना विकास नहीं कर पाया। पश्चिमी देशों से पिछड़ जाना। फिर इसके बाद है सोवियत रूस धीरे धीरे पश्चिमी देशों से पिछड़ गया। क्यों पिछड़ गया? क्योंकि पश्चिमी देश जहाँ पर हथियारों की होड़ कर रहे थे, दूसरी तरफ अपने देश का आर्थिक विकास भी पूंजीवाद के द्वारा और निजी स्वामित्व के द्वारा कर रहे थे, किंतु सोवियत रूस सिर्फ हथियारों की होड़ में ही लगा हुआ, और चूँकि वहाँ निजी क्षेत्र का कोई दखल नहीं था तो सारी चीज़ें सरकार के हाथ में होने के कारण आर्थिक क्षेत्र धीरे धीरे पिछड़ता चला गया और पश्चिमी देशों से सोवियत रूस पीछे हो गया। रूस का दबदबा। अभी मैंने आपको बताया था कि रूस को मिलाकर रूस जो सोवियत रूस है वह 15 देशों का एक संघ है, और इनमें रूस ऐसा है जो सबसे बड़ा देश है, और रूस का ये दबदबा बाकी 14 देशों पर बना रहता था, तो बाकी के 14 देश अपने को हीन समझते थे और उनमें असंतोष की भावना उभर कर आई। अर्थव्यवस्था का रुक जाना। अंतरिक्ष की होड़, हथियारों की होड़ और हथियारों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने के कारण अर्थव्यवस्था सोवियत रूस की रुक गई, उसका उतना विकास नहीं हुआ जितना कि हो जाना चाहिए था या जितना उस देश की जनता को आवश्यकता थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लोगों में आज़ादी की भावना का उठना। लोग स्वयं को गुलाम महसूस करने लगे रूस के साथ रहते रहते। उन्हें लगा कि रूस ही हमें दबा रहा है और हमें अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है, प्लस रूस में या सोवियत रूस में जितने भी देश थे उन सभी में ही एक ही पार्टी की व्यवस्था थी, तो लोगों को अपने विचारों को प्रकट करने का मौका भी नहीं मिलता था, जिसके कारण उन्हें अपनी आज़ादी का हनन प्रतीत होता था। फिर है तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण का अर्थ होता है कि ऐसी कौन सी मुख्य समस्याएं थी जिनके कारण कि सोवियत रूस में एकदम से विघटन की परिस्थितियां पैदा हो गई, जैसे लोगों के मन में आज़ादी की भावना का उभरना। लोग चाहते थे कि वो अपने विचारों को प्रकट कर सके, अपनी बातों को सरकार तक कह सके, या सोवियत रूस या रूस अगर कोई चीज़ कह रहा है तो उससे अलग अगर उनका मत है तो उनके मत को भी माना जाए, किंतु ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। गोर्बाचेव के सुधार, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। गोर्बाचेव के द्वारा जो नीतियाँ ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की अपनाई गई, उसके कारण विकास या तो बहुत धीमा हुआ या अधिकतर लोगों के द्वारा उसका विरोध कर दिया गया। तो इसके बाद इन्हीं सब कारणों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया और विश्व में सोवियत रूस नामक एक जो महाशक्ति थी उसका विघटन हो गया और सोवियत रूस की जगह सिर्फ रूस रह गया और बाकी अन्य 14 राज्य अलग अलग स्थापित हो गए। सोवियत रूस के विघटन के परिणाम। सोवियत रूस के विघटन के क्या क्या परिणाम हुए? सबसे पहला तो शीत युद्ध समाप्त हो गया। शीत युद्ध वास्तव में दो महाशक्तियों के बीच स्वयं को साबित करने का एक युद्ध था, किंतु जब सोवियत रूस समाप्त हो गया तो फिर शीत युद्ध भी अपने आप ही खत्म हो गया। अब किसी से होड़ लगाने की जरूरत नहीं रह गई थी क्योंकि विश्व में अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति बन के रह गया था। अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हो गई थी, जिसके बारे में हम अपने अध्याय 3 में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई थी
किसी के साथ अब कोई होड़ लगाने की जरूरत नहीं रह गई थी। 15 नए देशों का उदय हुआ, जिनके बारे में मैंने अभी इस अध्याय के शुरू में बताया था कौन कौन से 15 नए राज्य थे। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, चूँकि सोवियत रूस में जो 15 देशों का एक संघ था उनमें जो रूस था वो सबसे बड़ा था, इसलिए सभी जब सोवियत रूस का विघटन हुआ तो रूस उनमें सबसे बड़ा देश पर उभर कर निकला और रूस सोवियत रूस का उत्तराधिकारी बना। रूस अब सभी संधि और वीटो पावर का अधिकारी बन गया। सुरक्षा परिषद में उसकी सदस्यता हो गई। परमाणु संपन्न देशों का तमगा रूस को प्राप्त हुआ, बाकी अन्य देशों को नहीं। इसके अलावा जितनी भी संधियां सोवियत रूस के द्वारा की गई थी अब उन सभी को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व रूस को मिला। समाजवादी विचारधारा को झटका मिला। इस व्यवस्था के कारण समाजवादी व्यवस्था की सफलता पर संशय हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश का विघटन हो गया और समाजवादी अर्थव्यवस्था को अब लोग अपनाने से कतराने लगे। पूंजीवादी विचारधारा को बल मिला, क्योंकि सोवियत संघ में भी के अंत समय में भी सोवियत रूस धीरे धीरे निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने लगा था, तो इससे यह प्रतीत हुआ कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही वास्तव में विकास का एकमात्र साधन है। रूस में कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध, साथ ही रूस में कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अन्य पार्टियों को भी अब स्थान दिया जाने लगा। सोवियत संघ से आजाद देशों ने लोकतंत्र तथा पूंजीवाद को अपनाया और जितने भी सोवियत संघ से देश आजाद हुए थे उन लोगों ने समाजवाद को त्याग कर पूंजीवादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना लिया। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि रूस को वह सभी अधिकार मिल गए जो सोवियत संघ के पास थे, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता, जो भी संधियां सोवियत संघ के द्वारा की गई थी वह अब सभी रूस के द्वारा निभाई जानी थी, साथ ही रूस को परमाणु संपन्न देशों का दर्जा भी मिल गया। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से सोवियत रूस का विघटन के क्या क्या कारण हुए और उसके क्या क्या परिणाम हुए। तो इन सब कारणों परिणामों के कारण अब सोवियत संघ का अस्तित्व समाप्त हो चुका था। अब जो भी देश सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए थे उनके सामने यह अगला प्रश्न यह था कि अब किस प्रकार से अपना देश का विकास किया जाए कि देश आगे बढ़ सके। तो इसी के तहत सोवियत संघ और से आज़ाद हुए देशों के, सोवियत संघ अर्थव्यवस्था वाले देशों के जो भी 15 देश थे उनके विकास के लिए एक नीति अपनाई गई जिसको कहा जाता है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी समाजवादी अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर जाने के लिए या अपने समाजवादी देशों का विकास करने के लिए एक नीति अपनाई गई जिसे शॉक थेरेपी कहा जाता गया है। इस थेरेपी के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया या सोचा गया कि इस नीति से ही समाजवादी देशों का विकास किया जा सकता है। अब हम देखेंगे शॉक थेरेपी क्या है। शॉक थेरेपी जैसे कि आप देखते होंगे चिकित्सीय टर्म में कि आघात पहुंचाकर उपचार करना, किंतु यहाँ पर इसका क्या तात्पर्य है। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो नए देश बने। इन देशों ने पूंजीवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा शॉक थेरेपी का निर्माण किया गया था। जो भी देश स्वतंत्र हुए सोवियत रूस से वहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जो नीति अपनाई गई उसको शॉक थेरेपी कहा गया और इसके लिए इसका निर्माण विश्व संघ और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया गया। चूँकि सोवियत संघ समाजवादी विचारधारा पर बना था इसलिए वहाँ सभी उद्योग सरकार के ही नियंत्रण में थे और उसी के नियंत्रण में काम किया करते थे। अब सोवियत संघ के विघटन के बाद इन सभी देशों में पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित की जानी थी, अर्थात सभी देशों से समाजवाद के स्थान पर पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित कर रखना था। तो शॉक थेरेपी के द्वारा सभी सरकारी उद्योगों को निजी हाथों में सौंप देने का निश्चय किया गया। दूसरे शब्दों में गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में बदलना ही शॉक थेरेपी था। समाजवाद को पूंजीवाद में बदलना, सरकारी उपक्रम को निजी हाथों में सौंप देना और सोवियत विचारधारा के स्थान पर पूंजीवादी विचारधारा को अपनाना ही शॉक थेरेपी था।
शॉक थेरेपी के उद्देश्य क्या-क्या थे? राज्य की संपदा का निजीकरण। सबसे पहला शॉक थेरेपी की राज्य जो भी चीजें सरकार के नियंत्रण में है उनको निजी हाथों में सौंप देना। दूसरा है मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश करना, सभी देशों के साथ व्यापार करना, सभी देशों को एक दूसरे के साथ आर्थिक रूप से जोड़ना और समाजवादी व्यवस्था वाले देश विकास कर सके ऐसा प्रयत्न करना। साथ ही पूंजीवादी व्यवस्था वाले देश जो थे इन देशों में आते व्यापार करते और ये देश पूंजीवादी देशों के साथ व्यापार करते, पूंजीवादी व्यवस्था वाले देश अपना सामान यहाँ पर बेचते और यहाँ के लोग पूंजीवादी देशों के साथ व्यापार करते। तो इस तरीके से इस तरह एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाती है जिससे विभिन्न देशों के बीच आपस में व्यापार होता और अपना अपना विकास सभी देश कर पाते। शॉक थेरेपी के परिणाम पूरी तरीके से असफल। शॉक थेरेपी पूरी तरीके से असफल हो गई क्योंकि जब इस नीति को अपनाया गया तो उस समय जितने भी देश नव स्वतंत्र हुए थे सोवियत संघ से वहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, सभी चीज़ें सरकार के हाथों में थी। किंतु अचानक से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया और जो भी चीज़ें सरकार के हाथों में थी उन्हें औने पौने दामों में निजी क्षेत्रों को सौंप दिया गया जिससे वहाँ पर व्यवस्था संभाल नहीं पाई। रूस का औद्योगिक ढांचा टूट गया। चूँकि रूस में सभी चीज़ें सभी कंपनियाँ सरकार के हाथों में थी अब अचानक से उन्हें निजी हाथों में बेच दिया गया कम दामों में जिसके कारण वहाँ का औद्योगिक ढांचा एकदम से टूट गया। जो कंपनियाँ जो इकाइयाँ करोड़ों रुपये की थी उन्हें औने पौने दामों में बेच दिया गया। सभी रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट। इसके अलावा रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आ गई, उसका मूल्य अब उतना नहीं रह गया जितना पहले था। उद्योगों को कम दामों में बेचने के कारण जो वहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा थी उसका मूल्य काफ़ी गिर गया। समाज कल्याण की व्यवस्था की बर्बादी। चूँकि सभी कार्य सरकार के द्वारा किए जाते थे अब चूँकि सरकार का हस्तक्षेप हट गया निजी हाथों में आ गया तो वहाँ पर समाज कल्याण के लिए जो भी व्यवस्था स्थापित करी गई थी वह पूर्णतः बर्बाद हो गई। बड़ी बड़ी कंपनियों को उल्टे सीधे दामों में बेच दिया गया ताकि उन कंपनियों को निजी क्षेत्रों द्वारा निजी हाथों द्वारा चलाया जा सके। आर्थिक विषमता बढ़ी। बड़े देशों में अमीरों तथा गरीबों के बीच अंतर बढ़ा अर्थात इन देशों में जो अमीर लोग थे उन्होंने कंपनियों को खरीद लिया वो और अमीर हो गए और गरीब लोग और गरीब हो गए क्योंकि उनके पास इन कंपनियों को खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं था। खाद्यान्न संकट। सोवियत व्यवस्था वाले देशों में सरकार द्वारा ही कृषि और उद्योगों का नियंत्रण हाथ में लिया गया था और वही सुनिश्चित करती थी किस चीज़ का उत्पादन होगा कितना होगा। चूँकि अब सरकार का नियंत्रण पूर्णतः हट गया तो वहाँ पर खाद्यान्न का संकट भी उत्पन्न हो गया, कालाबाजारी को बढ़ावा मिला और इस शॉक थेरेपी के द्वारा जो एक निजी हाथों में सौंपा गया उद्योगों को उसको इतिहास की सबसे बड़ी गरज से कहा गया। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत ही कम दामों में यानी कबाड़ के रूप में उन्हें बेच दिया गया और वहाँ की अर्थव्यवस्था एकदम से गिर गई। ऐसा क्यों हुआ? क्यों जो हमने अभी देखा शॉक थेरेपी समाजवादी देशों ने अपनाया कि वहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्थापित की जा सके किंतु समाजवादी व्यवस्था पूर्णतः पूंजीवादी व्यवस्था को नहीं अपना पाई और जो शॉक थेरेपी की एक परिसंकल्पना को लेकर आगे बढ़ा गया था वह सफल नहीं हो पाई। क्यों ऐसा इसलिए हुआ? क्योंकि इस सेल में भाग लेने वालों के जितने भी लोगों को सरकार को भाग लेना था सरकार के द्वारा जिन लोगों को उन लोगों के लिए सरकार द्वारा एक अधिकार पत्र नागरिकों को दिए गए। यह अधिकार पत्र उन नागरिकों द्वारा कालाबाजारियों को बेच दिए गए। अब यह अधिकार पत्र सरकार ने नागरिकों को इसलिए दिया था ताकि नागरिक इन औद्योगिक इकाइयों की जब बोली लगे तो वह उन्हें खरीद सके लेकिन इन अधिकार पत्रों को नागरिकों के द्वारा कालाबाजारियों को सौंप दिया गया क्योंकि उनके पास इतनी मुद्रा नहीं थी कि वह इन्हें खरीद सके।
साथ ही उन्हें पैसों की भी जरूरत थी, तो इसलिए उन्होंने औने पौने दामों में कालाबाजारियों को ये अधिकार पत्र दे दिए और ये अधिकार पत्र अमीर लोगों के द्वारा खरीद लिए गए। इसलिए जो एक सिद्धांत लेकर चला गया था कि इस शॉक थेरेपी के द्वारा समाजवादी देशों का विकास किया जाएगा, वह पूर्णतः विफल हो गया। अब हम देखेंगे लास्ट में आपका एक टॉपिक है भारत और साम्यवादी देश, की भारत के साम्यवादी देशों के साथ कैसे संबंध हुए इस विघटन के पश्चात। क्योंकि भारत और साम्यवादी देशों के बहुत ही अच्छे संबंध रहे थे और वो शुरू से ही भारत की मदद करता आया था। दोनों ही देश चाहते थे कि विश्व जो है एक ध्रुवीय व्यवस्था या द्विध्रुवीय व्यवस्था वाला देश ना बनकर बहुध्रुवीय व्यवस्था वाला देश बने। बहुध्रुवीय व्यवस्था का मतलब होता है जहाँ पर शक्ति के अनेक केंद्र हों, शक्ति किसी एक दो व्यक्ति के हाथ में केंद्रित ना रहे। दोनों ही देश लोकतंत्र में विश्वास करते थे, दोनों ही देश चाहते थे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए। 2001 में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय समझौते हुए। द्विपक्षीय समझौते का मतलब होता है जिसमें कुछ समझौते भारत ने रूस के साथ किए और कुछ समझौते रूस ने भारत के साथ भी किए। भारत रूसी हथियारों को खरीदता था और भारत रूस के साथ हथियारों की खरीद का एक बड़ा बड़ा देश था। हथियारों की खरीद में वह रूस से ही तरह की खरीदारी करता था और रूस से ही मदद लेता था। भारत ने रूस को तेल का आयात किया, भारत ने वैज्ञानिक योजनाओं में रूस की मदद ली, अंतरिक्ष विमानों में या आपका ये कहा जाए सैटेलाइट्स वगैरह को अंतरिक्ष में भेजने में भारत को रूस से काफ़ी मदद मिली। वैज्ञानिक योजनाओं में रूस ने भारत की मदद की, साथ ही कश्मीर मुद्दे पर भी रूस ने भारत का समर्थन किया। और एक अंत में आप मनोरंजन के क्षेत्र से भी यदि इस चीज़ को देखेंगे तो हम देखेंगे कि राज कपूर की जो पिक्चर थी मेरा नाम जोकर, उस पिक्चर में भी रूसी कलाकारों ने काम किया था, जिससे भारत और रूस के संबंध सांस्कृतिक संबंध बहुत अच्छे हुए और भारत में रूसी पिक्चरों का भी काफ़ी क्रेज बना रहा। इसी कारण से हम इन सब वजहों से कह सकते हैं कि भारत और रूस के संबंध, भारत और साम्यवादी देशों के संबंध शीत युद्ध से पहले और शीत युद्ध के बाद लगातार मधुर बने रहे थे। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय समझ में आया होगा। नमस्कार।